शामली के थाना भवन में एक महापूर्व चोरी किए गए गन्ने से लदी ट्राली को पुलिस ने दो आरोपियों की निशानदेही पर एक भट्टे से बरामद कर लिया। साथ ही वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल क्षेत्राधिकारी अमित सक्सेना ने खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र के गांव रसीदगढ़ निवासी पीड़ित माधो सिंह ने रात में अपने ट्राली में गन्ना लादकर घर के आगे खड़ी कर रखी थी। 3 फरवरी की रात चोरों ने गन्ने समेत ट्राली चोरी कर ली थी। मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए थाना भवन में मस्तगढ़ नहर की पुलिया के पास से दो आरोपियों रवि और अक्षय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर गांव यारपुर से गन्ने से लदी ट्राली चोरी की थी। गन्ने को आरोपियों ने गाँव भैंसवाल में एक पहलू पर बेच दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई ट्राली को बरामद कर लिया, जबकि नकदी भी बरामद की गई है। ये 3 फरवरी 2020 को एक चोरी की सूचना मिली थी रात्रि 10 से 12 के बीच में। समय किसी को निश्चित नहीं था, पर यही था कि रात्रि 10 से 12 के बीच में एक ट्राली थी, गन्ना लदा हुआ था, वो उनके अकॉर्डिंग चोरी हुई थी। उस चीज़ को जब तस्दीक किया गया तो वहाँ वास्तव में वहाँ पर चोरी की सूचना थी। उसमें जितने भी इस तरह के जो चोर थे उन लोगों का पिछली हिस्ट्री सीट देखी गई थी आसपास के गाँव में, स्पेशली वो जो ट्रैक्टर वाले चुराते हों, तो कुछ लोग संदिग्ध निगाह में आए थे। मुखबिरों की सूचना पे गढ़ी पुख्ता में मस्तगढ़ नहर के पास ये दो लोग गिरफ्तार हुए थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक पप्पू व्यक्ति, पप्पू नाम का व्यक्ति भी हमारे साथ था,